हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब कल शिवरात्रि था तो सुबह के टाइम में हम पकौड़े बना रहे। क्या होता है ना, फास्टिंग के दूसरे दिन कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हम सोचे चलो आज पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब मिक्स करके बना रहे हैं, मटर है, प्याज और हरा मिर्च काट ले रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा कटा हुआ आलू भी डालेंगे और नमक डाल के इसको घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सब कुछ मिक्स करके हम पकौड़े बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे हम। पकौड़े डालने के बाद उसको चारों तरफ से हम पलट पलट के मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और मतलब अभी बन गया तो इनको हम नाश्ता भी दे दिए थे, तो ये नाश्ता वास्ता करके फिर चले गए थे दुकान, और उसके बाद हम लोग भी नहावा कर किए नाश्ता। तो अभी मेरा नाश्ता हो गया है और ये भी दुकान चले गए, मतलब सब काम हो गया है। और जैसे ही सारा काम हुआ, पापा मछली लेके रख दिए, तो अभी उसको बनाना है। पता है ना कि मतलब जिस दिन फास्टिंग रहो उसके दूसरे दिन अगर नाश्ता करो तो थोड़ा मतलब आलस जैसा लगता है, काम करने का मन नहीं करता, तो वैसे ही लग रहा था। तो हम थोड़ा सा आराम करके उसके बाद मछली बनाते हैं। नाश्ते में क्या बना था वो तो आप लोग देखे ही, पकौड़ी बनाए थे हम। तो चलिए अब थोड़ा देर बाद मछली बनाते हैं। तो अभी आ गए हैं मछली बनाने, क्योंकि 11 बज गया है तो बनाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मछली को हम धो के अच्छे से और इसमें हल्दी नमक मिला लिए हैं, और यहाँ तेल गरम कर रहे हैं। मतलब तेल गर अच्छे से गरम हो जाएगी तो हम मछली फ्राई करेंगे, बस तेल गरम होने का वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया और अब हम इसमें डालेंगे मछली। मछली को तेल में डालने के बाद मतलब एक तरफ से जब वो ब्राउन हो जाएगी ना, तब दूसरी तरफ उसको अच्छे से पलट दें। और इसी तरह पलट पलट के हम सारी मछली को फ्राई कर लिए थे। और उधर मछली फ्राई हो रही है, तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लिए हैं। लहसुन, सरसों और गोलकी, जीरा ये सब पीस लिए हैं और इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला ये सब डाल के, और इसी मसाले में एक टमाटर भी काट के रख दिए हैं। तो इधर हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी और लाल मिर्च 2-3 डाल दिए हैं। जब लाल मिर्च जल जाएगी तो हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला भून रहा है तब तक हम चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि बाबू को थोड़ा मतलब जल्दी खिला के सुला देना है। तो अभी हम चावल चढ़ा दिए और मछली का मसाला अभी भून रहा है, तो मतलब चावल बन जाएगा तो बाबू को खाना खिला के सुला देना है, नहीं तो उसको लेट हो जाएगा मतलब सोने में। और वैसे भी वो मछली से खाता नहीं है, उसको मछली तीखा लगेगा, तो हम सोचे चलो दाल बना देते। तो थोड़ा सा दाल बना दिए और अभी चावल चढ़ा दिए। तो बस बाबू नहा रहा है और वो नहा लेगा तो उसको खाना खिला के सुला देंगे, फिर ट्यूशन जाएगा। और मछली अभी मेरी बन रही है। तो अभी आ गए हम मसाले की तरफ, क्योंकि मसाला भूनना है अभी, तो अच्छे से अभी मसाले को भूनेंगे चलाते हुए। और इसमें मसाले में ना थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और नमक भी डाल लेंगे और तब मसाला को भूनेंगे। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि वो साइड से तेल ना छोड़ दे, और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम अपने अंदाज से पानी डाल के मतलब खोलने के लिए छोड़ देंगे।
और जब मसाला खौल जाएगा तो उसमें हम मछली डाल देंगे। और उसके बाद ना हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था, तो उसको खाना वाना खिला के सुला दिए। और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से शाम का, ये हमारा बन रहा चाय। तो बस अभी हो गया है शाम और हमारा चाय पानी हो गया है, और आज खाना नहीं बनाना है तो इसको भी चाय चाहिए। बोल रहा है चाय हमको क्यों नहीं दिए, बच्चे लोग को चाय नहीं पीना चाहिए ना इसलिए। अच्छा ठीक बना देंगे। तो बस आज खाना नहीं बनाना क्योंकि दोपहर में हम मछली बनाए थे तो मछली बचा है, बस सिर्फ चावल बना देना है। तो सोच रहे जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। तो ये सारे कपड़े सुबह में धुलाए थे तो उसको फोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं उसके बाद फोल्ड करके। और यहाँ देखिए बच्चा मेरा कैसे बैठा हुआ है, इसको बोल रहा है पढ़ाई करो तो नहीं, हाय कर दो हाय। तो चलिए कपड़ा फोल्ड करके मिलते हैं। चलिए इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय, टेक केयर।